गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रणालिनी और मैं आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज के कुकिंग ब्लॉग में मैं आपके साथ मटन चटपटा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने चिकन चटपटा की रेसिपी हमारे चैनल पर शेयर की है और वो बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। तो उसी मेथड से मैं ये मटन चटपटा की रेसिपी बनाने वाली हूँ। देखते हैं मटन कैसे बनता है। तो फिर चलिए आज के इंटरेस्टिंग कुकिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन लिया है जिसे मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है और इसका पूरा पानी निकाल दिया है। अब सबसे पहले मैं मटन को मैरिनेट करूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हींग। हींग ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हो। और उसके बाद ये है 1/2 नींबू का रस। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए हल्दी नमक सब कुछ मटन पर अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ और तब तक हम मसाला पेस्ट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सर जार लिया है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े टोमेटो लिए हैं जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और अब ये टोमेटो मैं इसमें डाल दूंगी। टोमेटो ज़्यादा पके हुए होते हैं तो ग्रेवी थोड़ी सी खट्टी हो जाती है, इसलिए थोड़े कम पके हुए टोमेटो हमें यूज़ करने चाहिए, इसलिए मैंने कम पके हुए टोमेटो यूज़ किए हैं। उसके बाद ये है 10-15 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और ये है कुछ अदरक के टुकड़े, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसे बारीक पीस लेती हूँ। ये देखिए अदरक लहसुन टोमेटो का पेस्ट मैंने बना लिया है। और यहाँ पर गैस पर मैंने एक बड़ी स्टील की कढ़ाई रखी है। अब सबसे पहले मैं इसमें 4-5 चम्मच तेल डालूंगी। रिफाइंड ऑयल यूज करने की जगह पर आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो। अब देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 बड़ा प्याज जो मैंने कट कर लिया है वो डालूंगी। प्याज को हल्का लाल कलर आने तक मैं इसे फ्राई कर लूंगी। आप देख सकते हो प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम ये मैरिनेटेड मटन इसमें डाल देंगे और हाई गैस फ्लेम पर हम इस मटन को 4 से 5 मिनट तक भून देंगे। मैरिनेशन करते टाइम हमने इसमें जो नमक डाला है उसकी वजह से अब ये पानी छोड़ देगा, लेकिन वो पानी भी हमें पूरा सुखा लेना है, इसलिए हमें गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है। अब आप देख सकते हो 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मटन ने पानी छोड़ दिया है, पर हम हाई गैस फ्लेम पर ये पानी भी सुखा देंगे। अब देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं और इसका मैंने पूरा पानी सुखा दिया है। ये जो नीचे है वो तेल है और मटन फैट है। अब ये मटन मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस मटन को अब मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ और कढ़ाई में मैं फिर से 2 चम्मच तेल डालूंगी। अब इसी तेल में हम हमारा मसाला पेस्ट और सारे पाउडर मसाले फ्राई करेंगे, उसकी वजह से ही ग्रेवी को एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
सबसे पहले मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। ये है सुहाना का मटन मसाला, ये मैं डालूंगी 2 चम्मच। ये है गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। आप चाहो तो इसमें खड़े गरम मसाले भी यूज कर सकते हो। ये है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। ये है 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इन मसालों को मैं तेल में 2 मिनट फ्राई कर लूंगी। गैस की फ्लेम मैंने स्लो रखी है ताकि मसाले जले नहीं। अब मैं इसमें टोमेटो, अदरक, लहसुन इसका पेस्ट ऐड करूंगी। ये जो मसाला है इसे अच्छे से तेल छूटने तक हम फ्राई करेंगे ताकि टोमेटो का, अदरक, लहसुन का पूरा कच्चापन निकल जाए। ये जो स्टील की कढ़ाई है इसके बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, तो सबसे पहले तो ये मटेरियल स्टील है और ये कढ़ाई मैंने लोकल बर्तन के शॉप से ली है, लेकिन आपके लिए मैंने ऑनलाइन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर भी आपको अच्छी क्वालिटी की स्टील की कढ़ाई मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और वहाँ पर जो लिंक दी है उसके ऊपर जाकर आप इजीली ये कढ़ाई बाय कर सकते हो। और कढ़ाई के साथ ही आपको वहाँ पर बहुत सारे मसालों के लिंक भी मिल जाएंगे, जैसे कि मालवनी मसाला, कांदा लहसुन मसाला, कोल्हापुरी मसाला, वो भी आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको घर बैठे वो सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। अब देखिए मसाले ने तेल अच्छी तरह से छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इस मसाले में मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ डालने वाली हूँ जिससे हमारे मटन में एक चटपटा फ्लेवर आएगा, और वो है 1 चम्मच चाट मसाला। आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला यूज कर सकते हो। चाट मसाले की वजह से ग्रेवी को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ये फ्राई किया हुआ मटन ऐड करूंगी। गैस की फ्लेम हाई कर ली है मैंने और अब मैं इसे फ्राई करूंगी 2 मिनट। देखिए मटन मसाले में अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर से मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसकी क्वांटिटी मैं ज्यादा लूंगी और इसे भी हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी। ये मिक्सर जार में ही मैंने गर्म पानी डाल दिया है और ये गर्म पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दीजिए और उसकी 3 से 4 सीटियां ले लीजिए। उसमें यह मटन चटपटा बहुत झटपट बन जाएगा, लेकिन मैं कढ़ाई में ही पकाने वाली हूँ इसलिए मैंने इसमें ज्यादा पानी डाला है। अब देखिए ये उबलने लगा है। हमने मटन को मैरिनेट करते टाइम ही इसमें नमक डाला था 1 से 1.5 चम्मच। आपको अगर नमक डालने की ज़रूरत पड़े तो इस टाइम ही आप इसमें नमक ऐड कीजिए। अब मैंने गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर दी है और अब मैं इसे कम से कम 50 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने दूंगी, क्योंकि मटन पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। और बीच बीच में मैं इसे 1-2 बार हिला भी लूंगी नीचे से, ताकि मसाला नीचे ना चिपके। देखिए 50 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। इसे बीच में मैंने 1 बार हिला लिया था ताकि नीचे मसाला ना चिपके, और आप देख सकते हैं ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है।
और मटन भी अच्छे से पक चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मटन भी अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं ये आसानी से टूट रहा है। मटन को एकदम सॉफ्ट पकने दीजिए, तभी आपका ये जो मटन चटपटा है वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे 10 मिनट स्टैंडिंग टाइम देती हूँ, ताकि इसमें जो हमने तेल डाला है वो सरफेस पर आ जाए और इसे अच्छे से तरी आ जाए। तो फिर चलिए मैं अब आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ 10 मिनट बाद। तो ये देखिए गाइज, मैंने इसे 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था और आप देख सकते हो इस पर कितनी अच्छी तरी आई है। इसका कलर भी बदल चुका है और कलर बहुत अच्छा आया है और ये टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। और ये देखिए हमारे यहाँ कौन आया है इसे खाने के लिए। ये मटन चटपटा की रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हो तो आपके फीडबैक मुझे ज़रूर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले कुकिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय बाय।